हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 5 ऑफ कैपेसिटर्स। तो इस लेक्चर में हम लोग एस सी वर्मा के क्वेश्चंस सॉल्व करना कंटिन्यू रखेंगे। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने प्रॉब्ली 26 तक किया था, और जो लोग पहली बार इस प्लेलिस्ट के किसी लेक्चर को देख रहे हैं उनके लिए, हम लोग लेक्चर 1 में थ्योरी कवर किए थे, लेक्चर 2 में ऑब्जेक्टिव्स कवर किए थे, लेक्चर 3 से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 26 या 27 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके थे एक्सरसाइज के। आज कंटिन्यू करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27 में, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी यहाँ पे है, इनके बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। ठीक है, तो इधर में अगर देखें हम लोग, तो ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, सीरीज में तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 2 और 2 का सीरीज में है तो 1 है ना, 2 × 2 / 2 + 2 = 1। ठीक है, अब इसके बदले अगर यहाँ पे मैं इन दोनों के बदले सिर्फ एक कैपेसिटर रखूँ 1, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में ये दो कैपेसिटर्स थे, उसके बदले सिर्फ एक रख रहा हूँ मैं 1, और यहाँ पे तो ऑलरेडी एक 1 है। देखो ये वाला 1 यहाँ है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फर्दर 2 है, 2 है, 1 है, एंड सो ऑन, ऐसे करके आगे कहानी बन रही है। तो आगे के बारे में तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे तो कन्फर्म है कि ये दोनों पैरेलल में, और पैरेलल में तो 1 + 1 = 2 हो जाए। ठीक है, फिर से इन दोनों का जो इक्वेलेंट होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में रखेंगे हम लोग, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में ये दोनों पैरेलल में थे, यानी इन दोनों का जो इक्वेलेंट है 2, उसको हम लोग रख सकते हैं इन दोनों के बदले, मतलब इन दोनों के बदले सिर्फ एक कैपेसिटी रख सकते 2 इसी दो पॉइंट के बीच में। ठीक है, तो इसी दो पॉइंट के बीच में मैं एक 2 रख रहा हूँ, जो कि इन दोनों का काम एक साथ कर देगा, और फिर उसके अलावा जो है उसको ड्रॉ करेगा तो 2 1, और क्या क्या था यहाँ पे, ऐसा था, फिर यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, एंड सो ऑन। ठीक है, पूरा नहीं बना रहा हूँ मैं, खाली एक साइड जो इम्पोर्टेंट है इस मोमेंट के लिए उसको देख रहे। फिर से ये 2 और 2 मिलके 1 दे देगा, और फिर ये 1 और ये 1, आप देख सकते हो, फिर से इसके बदले जो 1 आएगा उसको सपोज मैं दूसरे इंक से लिखूँ, ये जो 1 आएगा, ये 1 और ये 1 किस में है, पैरेलल में, तो 1 और मिलके 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर जो 2 आएगा, यानी इस पूरे का इक्वेलेंट कितना है, 2 है, वो 2 इस 2 के साथ सीरीज में है ना, ये 2 यहाँ पे है, वो 2 यहाँ पे है, तो ये दोनों सीरीज में। ठीक है, और फिर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, एंड सो ऑन, प्रॉब्ली इसके बाद एंड आ जा रहा है ना, ए और बी यहाँ पे। ठीक है, तो ये और 2 मिलके 1 हो जाएंगे, वो 1 और ये 1 मिलके फिर से 2 हो जाएगा, और वो 2 और ये 2, देख लो फिर से इसको और स्टेप में लिखना ही है, तो ये दोनों 2 मिलके 1 हो गए, ये दोनों 1 मिलके 2 हो जाएंगे, और ये 2 और ये 2 मिलके आपका फिर से 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 और ये 2 है ना, क्योंकि इसका इक्वेलेंट 2 आएगा। ठीक है, यही 2 है, वो 2 है ना, फिर ये 2 और ये 2 सीरीज में है, सीरीज में तो क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इक्वेलेंट हो गया 1 है ना, 1 माइक्रोफेराड। तो 27 का आंसर होना चाहिए 1, एक बार बुक से चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो पता चल जाएगा। एक सेकेंड रुक जाओ, बुक खोलने दो मुझे, कैपेसिटर्स का 27 का 1 माइक्रोफेराड। ठीक है, यानी कोई कैलकुलेशन से कहीं नहीं हुआ है ना। चलो आगे बढ़ते हैं 27 के बाद 28 क्वेश्चन में, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द इनफाइनाइट लैडर शोन इन फिगर बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट लैडर है, ध्यान देना है ना, ए और बी के बीच में इनफाइनाइट लैडर है। अब इन्फिनिटी का क्या खास बात है, इन्फिनिटी एक ऐसा चीज़ है जिससे आप कुछ फाइनाइट क्वान्टिटी सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप इन्फिनिटी से 1, 2, 3, 50 करोड़ कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, इन्फिनिटी इन्फिनिटी रहने वाला है, उसका तो एंड नहीं है ना। ठीक है, ये मत सोचना कि इन्फिनिटी से 1 घटाएंगे तो, और इन्फिनिटी से 2 घटाएंगे तो 2 घटाने के इसमें छोटा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं, इन्फिनाइट है वो, सब कुछ भी घटाओ कुछ भी ऐड करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनाइट क्वांटिटी ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यही चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, है ना। तो आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो यहाँ पे सर्किट दिया गया है, ये एक इन्फाइनाइट लैडर है, इसको इन्फाइनाइट लैडर बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी इन्फाइनाइट लैडर हो ना, तो उसमें
सबसे पहले रिपीटिंग सेक्शंस अगर हो तो पता करने की कोशिश करना, रिपीट जो भी रिपीटिंग सेक्शंस हो, ठीक है, रिपीटेटिव या जो भी रिपीटेटिव हो, रिपीटेटिव रिपीटेटिव, ठीक है, रिपीटेटिव स्मॉलेस्ट पार्ट आप पता करने की कोशिश करो, सबसे छोटा पार्ट जिसको कॉपी पेस्ट करते हैं या तो पूरा डायग्राम जनरेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटी चीज जिसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो पूरा डायग्राम जनरेट हो जाएगा, वो मुझे क्या दिख रही है, वो मुझे दिख रही है ये टू और वन का ये पेयर, यही देखो सेम आइडेंटिकल है हर जगह, आगे भी होगा वो तो ड्रॉ नहीं किया गया क्योंकि इनफाइनाइट है ना, बोल दिया आपको। तो यही जो है वो एक क्या है, ये एक रिपीटिंग पैटर्न है ना, यही स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न है, ठीक है, सब यूनिट आइडेंटिकल है और स्मॉलेस्ट भी, और भी रिपीटिंग पैटर्न्स है, जैसे इस पूरे को ले लेते हैं ये भी एक रिपीटिंग पैटर्न है, ठीक है, लेकिन हम लोग को स्मॉलेस्ट ढूंढना था, है ना। हाँ तो इसको हम लोग रब कर लेते हैं, तो ये स्मॉलेस्ट है, ध्यान देना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आपके पास जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैटर्न्स है, ऐसे वाले पैटर्न कितने इनफाइनाइट है, ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना, तो उसमें से अगर एक हटा दो आप तो इस सर्किट को फर्क पड़ेगा नहीं, एक क्या आप 1 लाख भी हटा दो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट से आप कितना भी बड़ा क्वांटिटी, कोई फाइनाइट क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो हम लोग भी वही यूज करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट क्वांटिटीज है तो उसमें से एक हटा रहे हैं, आपको मुझे जितना मन उतना हटा सकते हो, मैं एक हटा रहा हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, मान लो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, सी है, मान लो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी को मैं यही रहने देता हूँ, है ना, सी ए बी से डिनोट करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं ये दोनों पॉइंट्स देखूँ, है ना, अगर मैं ये दोनों पॉइंट देखूँ तब भी वही आना चाहिए, ठीक है, या अगर पैटर्न वैसा देखना है आपको तो ऐसा देखो पैटर्न, ये 2 1 2 1 2 1, ये रिपीटिंग यूनिट्स है, ऐसे भी देख सकते थे, ठीक है। अब इसमें से अगर एक हटा दे, जैसे ये वाला हटा दो, रिमूव दिस, इसको रिमूव करने के बाद क्या बचेगा, ये दोनों पॉइंट बचेगा, उसको रिड्रॉ करेंगे तो ये वाला पार्ट ड्रॉ मत करना, ठीक है, सिर्फ ये दोनों पॉइंट और इधर वाला पार्ट ड्रॉ करना, है ना, इसका भी कुछ नाम दे देते हैं एक्स और वाई, ठीक है। अब मैं बोलना क्या चाहता हूँ, आप अगर इसको देखो जिसमें ए बी वाला पार्ट है, एक बार ये वाला सर्किट देखो जिसमें ऐसे करके इन्फिनिटी तक जा रहा है, और एक बार ये वाला सर्किट देखो जो सी और डी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब एक्स और वाई से स्टार्ट हो रहा है, ये भी तो वहीं तक जा रहा है और दोनों एग्जैक्टली सेम है, जैसे ए बी वाला देखेंगे तो क्या है, 2 है 1 है, चलो इसको थोड़ा अच्छे से बना ही देते हैं, तो ए और बी के बीच में क्या क्या है, देख लो 1 है ऐसे, फिर यहाँ 2 है, एक यूनिट हो गया, फिर 1 है, फिर 2 है, दूसरा यूनिट हो गया, एंड सो ऑन, ऐसे करते करते आगे बढ़ते जा रहे हैं, और एक्स और वाई के बीच में ही तो होते हैं वही लोग हैं, देख लो फिर अच्छे से, एक्स और वाई के बीच में क्या है, इसको अगर मिटाए तो 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है, देख लो, ठीक है, ये भी चलता ही जाएगा अपटू इन्फिनिटी, ये भी चलता ही जाएगा अपटू इन्फिनिटी, ये होता नहीं, इसमें 10 है, इसमें 10 है, इसमें 11 है, तो दोनों में फर्क है, नहीं दोनों इन्फाइनाइट है, कोई फर्क नहीं, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम है, दिस टू आर सेम, तो वी कैन से दैट इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि सेम सर्किट है तो सेम इक्विवेलेंट आएगा, या सेम कॉम्बिनेशन है तो सेम इक्विवेलेंट आएगा, इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी एंड इक्विवेलेंट सी एक्स एंड वाई विल बी सेम, ठीक है। तो अगर ये चीज़ है तो हम लोग इसको यहाँ पे रीड्रॉ करते हैं एक अलग फैशन में, है ना, एक काम करते हैं, एक्स और वाई के बीच में इक्विवेलेंट कितना है, सी एक्स वाई है, ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ये 1 है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट का इक्विवेलेंट, ये वाला पार्ट तो यही है ना, और इसका इक्विवेलेंट कितना है, सी एक्स वाई, तो इस पूरे को ड्रॉ करने के बदले ये एक्स और वाई के बीच का जो पूरा दुकान है, ये इसको ड्रॉ करने के बदले मैं उसका इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकता हूँ, इक्विवेलेंट का डेफिनेशन ही वही है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई ना। हाँ अब देखो,
यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अभी जो फिगर दिख रहा है ऊपर, ठीक है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों तो सीरीज में, सीरीज में, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ए बी वन, और ए और बी के बीच में क्या हो जाएगा इन दोनों सीरीज में, तो दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस प्लस दिस, ये होता है ना सीरीज में, दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस प्लस दिस, सी वन सी टू डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू, ठीक है। अगर आप देखोगे अभी तो ये दोनों पैरेलल में, बिटवीन ए एंड बी पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वन प्लस टू सी एक्स वाई डिवाइडेड बाई टू, लेकिन ये जो पूरे का इक्विवेलेंट है वो क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट। लेकिन आपको पहले से पता है कि सी ए बी और सी एक्स वाई सेम है, आपको पता है ना सी ए बी और सी एक्स वाई सेम है, सबको इसका नाम मैं सी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो रिलेशन यहाँ पे आया है, ये सी ए बी और सी एक्स वाई सेम है, बस इसको आप सिंप्लीफाई करो, टू प्लस सी से मल्टीप्लाई करें तो टू सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू प्लस सी टू सी टू प्लस थ्री सी, दिस इक्वल टू दिस है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस सी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, सी स्क्वायर माइनस सी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो सी स्क्वायर माइनस सी माइनस टू इक्वल टू जीरो है, इसको सॉल्व करते हैं, सी स्क्वायर माइनस सी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, ये होता है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है, और मैंने क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया, ठीक है। ये स्मॉल सी है और ये कैपिटल सी है, कैपेसिटेंस है, और ए बी सी जो क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म में कोफिशियंट होते हैं वो है ना, तो ये वन प्लस माइनस आठ एक नौ यानी तीन बाय दो, ठीक है। तो वन प्लस थ्री का टू और एक माइनस वन, तो कैपेसिटेंस तो पॉजिटिव होता है, तो आंसर हो जाएगा टू। आंसर चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 28 का टू माइक्रोफेरेट, सही है, ठीक है, ये आपका आंसर है ना, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग एक यूनिट को हटाए, आपको एक से ज़्यादा हटाना है तो हटाओ आपका मन, लेकिन याद रखना एक हटाने से फ़ायदा क्या हुआ, आप ये वाला जो सर्किट ड्रॉ किया हो यहाँ पे, ये जो यहाँ पे ड्रॉ किया हो, एक हटाए हो तो इसलिए इतना छोटा सर्किट आया, दो हटाते तो बड़ा सर्किट आता, ठीक है। आप एक हटाए हो, जितना हटाए उसको ड्रॉ करना पड़ेगा रीड्रॉ, है ना, अगर बड़ा हटाते हैं तो बड़ा रीड्रॉ करना पड़ता, ठीक है, तो ज़्यादा मेहनत लगता है, लेकिन करके देख लेना सेम आएगा, ठीक है। 28 भी हो गया, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 29। अब फाइनाइट लैडर है, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं, ध्यान देना, फाइनाइट इज कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग सेवरल सेक्शंस ऑफ टू एंड फोर कैपेसिटर कॉम्बिनेशंस एज शोन इन द फिगर। तो टू और फोर का बहुत सारा कॉम्बिनेशन जो दिखाया गया है, टू फोर टू फोर टू फोर ऐसे करके डाला गया है, ठीक है, टू फोर टू फोर टू फोर टू फोर ऐसे करके बहुत सारा डाला गया, कितना वो हमें नहीं बताया गया, लेकिन फाइनाइट है ना, मतलब गिनती कर सकते हैं हम लोग, इनफाइनाइट नहीं। इट इज टर्मिनेटेड बाय कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर सी, और अंत में एक सी डाल दिया, ठीक है। तो 2424 का सेक्शन है, मतलब 24 जब भी आ रहा है पेयर में आ रहा है, 24 24 24 24 यानी कि खाली 2 आएगा या 4 आएगा, ऐसा ही यूनिट्स होगा, 1 2 3 4 5 6 जितना भी 1000 होगा तो ऐसा ही 1000 यूनिट्स होगा, ठीक है। और लास्ट में क्या है, सी है, ठीक है। तो सी का वैल्यू क्या होना चाहिए, सच दैट ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ सेक्शंस, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि ये सी के वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, यानी इस पूरे दुकान का वैल्यू जो है इक्विवेलेंट, ठीक है, वो डिपेंड नहीं करे कि ऐसे कितने नंबर से, यहाँ पर एक होगा तब भी सेम आएगा, टू होगा तब भी सेम आएगा, तीन होगा तब भी सेम आएगा, या जितने भी नंबर्स होंगे तब भी सेम आएगा, फाइनाइट लैडर, ठीक है। तो जब बोली दिया है कि सी का ऐसा क्या वैल्यू होना चाहिए ताकि बीच में रिपीटिंग पैटर्न जो है वो कितने भी यूनिट्स के हो, ए और बी के बीच का कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फर्क नहीं पड़ने वाला, तो उसी चीज़ से आगे बढ़ते हैं ना, जो चीज़ की इन्फॉर्मेशन उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग रब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब को बोल दिया है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ सेक्शंस इन बिटवीन, तो नंबर ऑफ सेक्शंस इन बिटवीन का दो वैल्यू ले लेते हैं और दोनों वैल्यू के लिए इक्वेट कर देंगे। मान लो नंबर ऑफ सेक्शंस जीरो है,
ये भी तो एक नंबर ऑफ एक्शन है ना, कहीं तो बोला नहीं कि जीरो नहीं हो सकता, कुछ भी ले दो नंबर ले सकता हूँ मैं, स्मॉलेस्ट दो नंबर ले रहा हूँ ताकि डायग्राम बहुत आसान दिखे, ठीक है। तो मैं ये दो अलग अलग केस ले रहा हूँ, ये केस वन और ये केस टू। केस वन में जीरो नंबर ऑफ सेक्शन है, यानी ए और बी के बीच में ऐसा एक भी पैटर्न ना है, ये एक वाला है, ये दो वाला है, ये तीन वाला है, चार वाला, वैसे करके गिनती करेंगे तो ऐसा कितने आएंगे, एक भी नहीं आएंगे, तो सीधा क्या बचेगा आपका, सी बचेगा, ठीक है। समझो इस चीज़ को, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो टू और फोर का रिपीटिंग पैटर्न है, सपोज उसका नंबर है एन, ठीक है, तो एन का वैल्यू मैं जीरो भी ले सकता हूँ, वन भी ले सकता हूँ, टू भी ले सकता हूँ, थ्री भी ले सकता हूँ, 10,000, मतलब जो मैंने आपको क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया कि एन का कुछ भी वैल्यू हो, सी का वैल्यू ए और बी के बीच में जो इक्वेलेंट है उसमें फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, उसके लिए सी का वैल्यू क्या होना चाहिए, यही तो क्वेश्चन है, ठीक है। तो एन का वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ, क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं गया है कि जीरो नहीं ले सकते, तो मैं जीरो लेता हूँ, तो अगर जीरो लेंगे तो ये वन टू थ्री एन तक दिख रहा, तो ऐसा फिगर दिख रहा है, तो जीरो मतलब एक भी नहीं रहेगा, ऐसा डायरेक्टली क्या दिखेगा आपको, सी दिखेगा, ये एन इक्वल टू जीरो वाला केस है। और एन इक्वल टू वन वाला केस कैसा दिखेगा, एन इक्वल टू वन वाले केस में एक ये वाला एक यूनिट रहेगा, ठीक है, टू और फोर ये एक रहेगा बस, और सी तो हमेशा रहना है, याद रखना है ना, क्योंकि एंड खाना है सी से, क्वेश्चन ने बोल दिया है ना। तो यहाँ पे रिपीटिंग पैटर्न वन है, एक तो है, यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पे एन कह लो क्या है, वन है, समझ में आई बात। क्वेश्चन यही बोलना तो चाहता है ना कि चाहे रिपीटिंग पैटर्न एक हो, दो हो, 10,000 हो, जीरो हो, कुछ भी हो, ए और बी के बीच में इक्वेलेंट वही आने वाला है, और उसके लिए ऐसा पॉसिबल होने के लिए सी के वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सी ए बी इक्वेलेंट बिटवीन ए एंड बी कितना आएगा, यहाँ पे सी आएगा, और यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तो टू को तो रहने देते वैसे ही, ये फोर और ये सी क्या है सीरीज में, वो एक के बाद एक है ना, चाहे डायग्राम कितना भी टेढ़ा मेरा हो एक के बाद एक ही है ना, तो फोर और सी सीरीज में है, तो इसका इक्वेलेंट कितना आएगा, फोर सी डिवाइडेड बाई फोर प्लस सी, ठीक है। तो ए और बी के बीच में अब ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं, तो ये कितना हो जाएगा, टू, यानी यहाँ से इक्वेलेंट ए एंड बी कितना है, टू प्लस फोर सी डिवाइडेड बाई फोर प्लस सी। अब यहाँ पे जितना इक्वेलेंट आया था यहाँ भी वही आना चाहिए, क्वेश्चन तो वही बोल रहा था ना कि चाहे बीच में कितने भी टू और फोर वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, एक हो, जीरो हो, 10,000 हो, कुछ भी हो, ए और बी के बीच में इक्वेलेंट वही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में जो इक्वेलेंट आया, यहाँ पे जो ए और बी के बीच में इक्वेलेंट आया, दोनों सेम होना चाहिए, क्वेश्चन ही बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बस इसको कैलकुलेट करते हैं, फोर प्लस सी से अगर मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ तो हो जाएगा 8 प्लस 6 सी, तो सी स्क्वायर माइनस 2c - 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सी स्क्वायर माइनस 2c - 8 इज इक्वल टू 0, तो सी का वैल्यू -b + √(b)² - 4ac, ए सी वैसे b माइनस टू है लेकिन फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर है बाय टू है, तो 2 प्लस माइनस 4 प्लस 32 बाय 2, 32 4 36 6, तो 6 2 8, 4 और -3, -3 -4 बाय 2 -2, तो हम लोग 4 ले लेंगे, तो इसका आंसर भी 4 आने वाला है। ये था क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का भी 4, ठीक है, और 28 का अपना 2 आया था ना, ये बार चेक कर लेते फिर से, 28 का 2 आया था, ठीक है, मुझे लगा था 28 का 4 आया था, मैं कहीं गलत तो नहीं देखा, ठीक है। तो समझे यहाँ पे क्या किया हम लोग को ये बोला गया है कि कितने भी यूनिट्स हो, टू और फोर वाला ए और बी के बीच में इक्वेलेंट में कोई फर्क नहीं वाला है, ऐसा होने के लिए ये सी का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो कितने भी यूनिट्स बोला है ना, तो एक बार 0 यूनिट्स ले लिए, एक बार 1 ले लिए, आपको 5 और 6 पसंद है तो 5 और 7 पसंद है, 5 और 10 पसंद है तो वो ले लो, तब भी सेम आएगा, ठीक है। ये था 29, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अ चार्ज ऑफ 2 × 10 की पावर, ये दिख नहीं रहा है मुझे, बुक से देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में अ चार्ज ऑफ 2 × 10 की पावर -8 इज प्लेस्ड ऑन द पॉजिटिव प्लेट एंड अ चार्ज ऑफ -1 × 10 की पावर -8
इज प्लेस इन द नेगेटिव प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है 1.2 इनटू 10 की पावर माइनस 3 माइक्रो। ठीक है, तो 2 इनटू 10 की पावर माइनस 8 माइनस 1 इनटू 10 की पावर माइनस 8, तो ये माइनस 8 है यहाँ पे, ये भी माइनस 8 है और ये लास्ट में कितना है, माइनस 3 है। ठीक है, तो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द प्लेट्स, तो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको अजीब लगेगा क्योंकि दोनों कैपेसिटर्स दोनों प्लेट्स पे अलग अलग चार्ज है, लेकिन आपने क्या पढ़ा था, कैपेसिटर्स के प्लेट्स पे इक्वल ना पोल चार्ज होते हैं, लेकिन कुछ गलत नहीं है, आप गलत सोच रहे हो, देखते कैसे। अ चार्ज ऑफ दिस मच इज प्लेस ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पहले बना लेते हैं, सपोज ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, दोनों सेम साइज का है लेकिन थोड़ा आगे बड़ा छोटा बन गया। ठीक है, तो पॉजिटिव प्लेट में कितना चार्ज रखे, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 और नेगेटिव प्लेट है माइनस 1, तो पॉजिटिव प्लेट में चार्ज जो भी रखे मान लो उसका नाम दिया हमें Q1 और नेगेटिव प्लेट में चार्ज रखे उसका नाम दिया हमें Q2। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किए कि जब भी आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स रखे रहे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, चार्ज आप कैसा भी रखे हो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा दिखता है, वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो इस आउटर मोस्ट फेसेस में हो जाएगा दोनों का चार्ज का सम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हम लोग गॉस लॉ से प्रूफ किए थे, है ना, और इनर में निकालने के लिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज कर लो। ठीक है, इसमें पहले कितना था, Q1 था, अभी भी Q1 होना चाहिए। ठीक है, तो इनर फेस में कितना होना चाहिए, Q1 माइनस जो आउटर फेस में, क्योंकि अंदर में कहीं चार्ज नहीं रहेगा, हमें पता है जितना भी एक्सेस चार्ज होता है वो सरफेस पे ही रहेगा, या तो ये वाला सरफेस में रहेंगे चार्जेस या तो ये वाला में रहेंगे, अंदर कुछ नहीं रह सकता। ठीक है, तो टोटल पहले जितना भी दिए थे आप उसका कुछ पार्ट इस सरफेस पे आ गया, कुछ पार्ट इस सरफेस पे आ गया। ठीक है, और इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 बाय 2। ठीक है, तो अब देखो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना के ताकि समझाना आसान हो। तो यहाँ पे चार्ज है Q1 प्लस Q2 बाय 2, यहाँ भी है Q1 प्लस Q2 बाय 2, इसके इस फेस में हम लोग निकाले अभी Q1 माइनस Q2 बाय 2 और इस फेस में उसका नेगेटिव होगा। ठीक है, ये भी हम लोग प्रूफ किए होगा, जो भी यहाँ पे पॉजिटिव में है वही चीज़ यहाँ नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो अब ये दोनों चीज़ें, इसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं, जब हम लोग कैपेसिटर का बात करते हैं तो ये दोनों फेस का बात करते हैं। ठीक है, ये कैपेसिटर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है ना, इसको अगर आप क्यू बोलोगे तो इसको क्या बोलोगे, माइनस क्यू। ठीक है, तो ये कैपेसिटर है और इसमें फॉर्मूला लगता है क्यू इज इक्वल टू सी वी, है ना, तो इस कैपेसिटर में चार्ज है इसको लेंगे, टोटल चार्ज कभी नहीं लेते, इसको चार्ज लेंगे। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू सी वी। अब यहाँ पे अपने वैल्यूज क्या क्या दिया हुआ देखते हैं, तो आपको बोल दिया है कैपेसिटेंस का वैल्यू है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो इस फॉर्मूला से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा क्यू बाय सी। चार्ज का वैल्यू कितना है, पॉजिटिव प्लेट में जो चार्ज है उसको चार्ज का वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट में Q1 माइनस Q2 बाय 2 डिवाइडेड बाय सी, तो ये आंसर है Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2C। ठीक है, तो जो भी वैल्यूज यहाँ पे दिए गए हैं Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2C, तो Q1 कितना है, इतना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8, Q2 कितना है माइनस 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 सी, सी कितना है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइक्रो, है ना, माइक्रो को उसमें कन्वर्ट करेंगे तो माइनस 9 हो जाएगा, तो ये सबको जोड़ घटाओ करके कितना आ रहा है, माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो ये 3 इंटू 10 की पावर माइनस है ऊपर में और नीचे में 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 9, तो अल्टीमेटली ये 30/24 इंटू 10 की पावर 1 यानी 300/24, तो 6 50 6 4, तो 12.5 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का चेक कर लेते हैं आंसर, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है बुक में 12.5, यानी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 31 में चार्ज ऑफ 20 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड। ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग करेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्रॉ कर लेते हैं, इसको कितना चार्ज दिए 20, इसको कितना दिए 0, ठीक है। तो दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 करो पहले, 10 आ गया, मतलब यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, ठीक है। अब रिमेनिंग फेसेस में यहाँ 20 था टोटल, इस तरफ 10 है तो यहाँ भी 10, यहाँ -10, ये आपका कैपेसिटर, ठीक है। और कैपेसिटर पे चार्ज यानी कितना है, क्यू का वैल्यू 10 है, कैपेसिटेंस कितना है, ये भी 10 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट, ठीक है। ये था 31, पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछा था, है ना। मूविंग ऑन 32 में अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम इज गिवन टू 1 प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 0.1 माइक्रो फैराड एंड अ चार्ज ऑफ 2 इज गिवन टू द अदर प्लेट, तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, ये भी वैसा ही है। तो एक प्लेट को चार्ज दिए हम लोग 1 और दूसरे को चार्ज दिए हम लोग 2, ठीक है। तो 1 और 2 का सम हो जाएगा 3, 3/2, 1.5, यहाँ भी 1.5, यहाँ भी 1.5, ठीक है। अब इसमें 2 है और यहाँ 1.5 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.5, क्योंकि 0.5 और 1.5 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे -1.5, -0.5, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्यू बाय सी, इसी को तो क्यू बोलते हैं, ये क्यू है और सी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 0.1, तो क्यू है 0.5 माइक्रो कूलम और सी है 0.1 माइक्रो फैराड, तो हो जाएगा 5 वोल्ट, ठीक है। तो 31 और 32 का आंसर चेक कर लेते हैं, 31 का 1 आया था, 32 का 5 आया है, 31 और 32, 31 का 1, 32 का 5, ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं, 33, ईच ऑफ द प्लेट शोन इन फिगर हैज अ सरफेस एरिया दिस मच, ये 10^-12 अगर दिख नहीं रहा किसी को, ऑन वन साइड एंड द सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव प्लेट्स इज 4 मिलीमीटर, ठीक है। तो किसी भी दो कंसेक्यूटिव प्लेट्स के बीच का सेपरेशन 4 मिलीमीटर है ना, 4, 4, 4, तो प्लेट का थिकनेस को आप नेगलेक्ट करना, ठीक है, तभी आप डिस्टेंस जो है किस फेसेस के बीच में वो बोलने के अच्छा सिंपली प्लेट्स बोल सकते हैं, क्योंकि प्लेट्स अगर बहुत ही थिन, थिकनेस मैटर नहीं कर रहा, सिंपली प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी कनेक्टेड इज 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट का बैटरी, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, तो बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करेगा टू ईच ऑफ द प्लेट्स कनेक्टेड टू इट, ठीक है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको पता है यहाँ पे कितने कैपेसिटर है वो अगर देखे, इसको थोड़ा जूम करते हैं वो दिखाने के लिए, ठीक है। और कैपेसिटर्स जो होंगे उनको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, कैपेसिटर मतलब याद रखना है प्लस और माइनस क्यू का एक ग्रुप, उसको कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो अब जो भी फेसिंग सरफेस होता है उसमें इक्वल में पूरी चार्जेस आते हैं, तो ये कैपेसिटर है, मान लो इसका नाम C1 है, ये दूसरा कैपेसिटर है, क्योंकि इसमें भी इक्वल में पूरी चार्जेस आएंगे, जो भी फेसिंग है जितने फेसिंग पेयर्स होंगे वो लोग एक कैपेसिटर बनवाएंगे, ठीक है, ये लोग कैपेसिटर बना रहे हैं, ये C3 है, ठीक है। तो हमें C1, C2, C3 सिर्फ इनको देख रहे हैं, है ना, ठीक है। बस अब ड्रॉ करो, अगर आप ध्यान दो तो जो C1 है, पहले बैटरी ड्रॉ करते सबसे पहले, ठीक है, बैटरी ड्रॉ कर दिए, 10 वोल्ट का बैटरी है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो आप देखो तो C1 से कनेक्टेड है, ठीक है। तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल C1 से कनेक्टेड है, और किसी से कनेक्टेड है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल नहीं, तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल C1 से कनेक्टेड है, तो मान लो ये C1, ये C1 है, C1 का एक प्लेट से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, ठीक है। और C1 का जो दूसरा फेस है, C1 का दो फेस होगा ना, ये नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला, तो C1 का जो दूसरा फेस है वो C2 के साथ कनेक्टेड है, तो C1 का दूसरा फेस, ये C1 का दूसरा फेस C2 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, C1 का दूसरा फेस C2 से कनेक्टेड है, और C2 का जो फेस है, अब C2 का भी दो फेस है ना, C2 का एक फेस तो C1 के साथ कनेक्टेड था, और C2 का दूसरा फेस
या ये जो C1 C2 जो है पूरा, सॉरी 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 सॉरी, ये भी तो C2, ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। तो ये जो C2 है, C2 का एक प्लेट है जो नेगेटिव प्लेट है वो कनेक्टेड किससे है, वो है C1 के साथ कनेक्टेड है ना। तो C2 का नेगेटिव प्लेट C1 के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ठीक है ठीक है। और C2 का जो हाँ C2 का जो दूसरा प्लेट है, ये दूसरा प्लेट वो किससे कनेक्टेड है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। C2 का दूसरा प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, चेक कर लेते अभी तक सही किया ना। नेगेटिव से स्टार्ट किया तो चलते चलते मुझे मिलेगा C1 का नेगेटिव प्लेट, तो नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट किया तो चलते चलते मुझे मिलेगा C1 का नेगेटिव प्लेट, सही है। और नेगेटिव प्लेट को फेस कर रहा होगा पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट को फेस कर रहा होगा पॉजिटिव प्लेट। ये पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड है किससे, ये पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड है इसका नेगेटिव प्लेट से, C2 का। तो ये पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड है C2 का नेगेटिव प्लेट से, सही है। और C2 का नेगेटिव प्लेट कनेक्टेड है C3 का पॉजिटिव प्लेट से, और C2 का नेगेटिव प्लेट सॉरी C2 का पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड है C3 का नेगेटिव प्लेट से, एज वेल एज C2 का पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड है बैटरी से। तो C2 का ये बैटरी से तो कनेक्टेड है ही, लेकिन ये किसी और से भी कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है C3 से, C3 का नेगेटिव से, ठीक है। तो ये C3 का नेगेटिव से भी कनेक्टेड है ना। तो ये चीज बैटरी के अलावा C3 का नेगेटिव प्लेट से भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो C3 का एक प्लेट बना दिए, और C3 का जो दूसरा प्लेट है प्लस माइनस, यहाँ प्लस ही होगा सॉरी, C3 का पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, और C3 का जो दूसरा नेगेटिव प्लेट है, अभी मैं पूरा इसे समझाऊंगा, एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। C3 का जो नेगेटिव प्लेट है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो अब C1 C2 से जुड़ा हुआ है। तो ये चीज C1 C2 से जुड़ा हुआ है, ऐसा है कनेक्शन, बस यही कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये तरीका को समझ में नहीं आया तो मैं फिर से इसको दिखाता हूँ दूसरे तरीके से, ठीक है। इसको पूरा मर्ट रब करके हम लोग दूसरे तरीके से दिखाते हैं पूरी चीज को। अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं दूसरे तरीके से दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये C1 है, याद रखना, ये C1, ये C2, ये C3, ठीक है। ये C1, ये C2, ये C3 है ना। चलो पॉइंट्स का कुछ नाम देते हैं, बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव तो सही है, उसके अलावा, इसके अलावा अलग पोटेंशियल कहाँ पे होगा, इसका होगा। ये नहीं एक ऐसा पॉइंट है जो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। इसका पोटेंशियल मान लो एक्स है, याद रखना एक्स से जो जो कनेक्टेड होगा सबका सेम पोटेंशियल होगा। तो एक्स से जुड़ा हुआ कौन है, ये जुड़ा हुआ है, तो इसका पोटेंशियल हमेशा एक्स होगा, बस इसका पोटेंशियल भी हमेशा एक्स होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, जो जो कनेक्टेड होगा उनका पोटेंशियल, जो जो कनेक्टेड होगा उनका पोटेंशियल सेम होगा। वैसे जो नेगेटिव टर्मिनल है ये इससे कनेक्टेड, तो इस प्लेट का पोटेंशियल भी नेगेटिव के, नेगेटिव टर्मिनल के बराबर होगा। वैसे जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है ये पूरा चीज़ पॉजिटिव के बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई, इसको फिर से थोड़ा साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान देना, ये पॉइंट एक्स है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब देखो नेगेटिव से जो जो कनेक्टेड है उनको ड्रॉ करो। नेगेटिव से कौन कौन कनेक्टेड है, नेगेटिव से कनेक्टेड है ये वाला प्लेट, याद रखना ये दोनों प्लेट्स C1 को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। बाकी लोग के लिए अलग कलर यूज कर लेते हैं, ये दोनों प्लेट C2 को बिलोंग कर रहे हैं, और ग्रीन, ग्रीन को थोड़ा थिक कर लेते हैं, ग्रीन दिखता नहीं है, और ये दोनों प्लेट्स C3 को बिलोंग कर, ठीक है। अब लिखूंगा मैं ब्लैक से, तो नेगेटिव और पॉजिटिव है ना। अब नेगेटिव वाला देखो, नेगेटिव प्लेट किससे कनेक्टेड है, ब्लू वाले से कनेक्टेड है, यानी C1 से। नेगेटिव प्लेट C1 का एक प्लेट से कनेक्टेड है, C1 का एक प्लेट हो गया, ठीक है। और C1 का दूसरा प्लेट जो है X से कनेक्टेड है, C1 का दूसरा प्लेट जो है वो कोई पॉइंट है एक्स, उससे कनेक्टेड है, ठीक है। ये हो गया C1, ठीक है। C2 को देखेंगे तो C2 किस किसके बीच में कनेक्टेड है, C2 का एक एक रेड देखो, ये वाला रेड देखो, ये किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है एक्स से, और C2 का दूसरा रेड पॉजिटिव से। तो जो C2 है उसका एक तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और दूसरा एक्स से कनेक्टेड है। C2 का एक देखो, एक रेड लाइन जो है वो एक्स से कनेक्टेड है, देख लो, नहीं दिख रहा, ये एक्स से कनेक्टेड है
और सी टू का जो दूसरा है इसको अगर आप देखोगे ये रेड वाले को किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो सी वन सी टू तो हो गया, सी थ्री को देखे तो सी थ्री का यानी ग्रीन लाइन्स को, एक ग्रीन लाइन देखे, इस ग्रीन लाइन को देखे तो ये किससे कनेक्टेड है, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो जो सी थ्री है उसका एक तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और सी थ्री का जो दूसरा ग्रीन लाइन है उसको देखेंगे तो एक्स से कनेक्टेड है। सी थ्री का दूसरा ग्रीन लाइन जो है वो एक्स से कनेक्टेड है। देखो दोनों सेम फिगर ही तो है, ठीक है। जो सी थ्री एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, दूसरा इसी को तो एक्स बोल रहा हूँ मैं सबसे, यही पॉइंट एक्स है। हाँ ये दोनों फिगर आइडेंटिकल है, भले आपको दिख नहीं रहा, दोनों आइडेंटिकल है, कनेक्शन एज लॉन्ग एज सेम मतलब आइडेंटिकल। यहाँ भी देखो सी टू सी थ्री पैरेलल में है, यहाँ भी देखो तो सी टू सी थ्री पैरेलल में है, ठीक है। तो बस किसी से भी आगे बढ़ो, चलो इससे आगे बढ़ता हूँ मैं, तो ये इक्वेलेंट हो जाएगा सी टू प्लस सी थ्री, यहाँ बैटरी, ठीक है। और सी वन को यहाँ ड्रॉ कर लो, क्या फर्क पड़ता है किसी को, यहाँ पे तो ड्रॉ ही रख सकते हैं ना, सी वन को यहाँ के बदले उठा के यहाँ रख दिया सी वन को, ठीक है, ताकि दिखे आपको। हाँ इस सीरीज में इक्वेलेंट कितना हो जाएगा, सी वन ये जाएगा इक्वेलेंट, ठीक है। तो इस पूरे का इक्वेलेंट अगर सी है तो बैटरी का पोटेंशियल वी है, तो इस कैपेसिटेंस में करो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वी है, तो चार्ज कितना सप्लाई करेगा बैटरी, सी इंटू वी, ठीक है। सी का आपको पता है ना, सी इंटू वी कर दो। अब सी वन सी टू सी थ्री सब इक्वल है, अगर आप ध्यान दो यहाँ पे सबके सब पैरल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। और पैरल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, जैसे पहला सी वन का निकाल रहे तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, सबके सब प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डी था, सबके लिए डी तो सेम है, हर एक कैपेसिटर के लिए डी सेम है, सबका एरिया भी सेम है, तो ए सेम है डी सेम है मतलब कैपेसिटेंस भी सेम है, यानी सी वन सी टू सी थ्री तीनों क्या थे, इक्वल थे, ठीक है। तो सी वन सी टू सी थ्री सबके सब इक्वल है, तो सबको मैं सी वन से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो टू सी वन बाय थ्री आया, तो क्या सी इक्वेलेंट कितना है, टू सी वन बाय थ्री, सी इक्वेलेंट है टू सी वन बाय थ्री इंटू वी। अब कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू वी, अब खाली वैल्यूज पुट करना है, टू बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट ए वी बाय डी, तो वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, टू बाय थ्री थोड़ा छोटा कर लेते हैं, टू बाय थ्री चार्ज सप्लाइड बैटरी कितना हो जाएगा, टू बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट ए वी बाय डी, ठीक है। थिकनेस थोड़ा ये ब्लैक का थिकनेस थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तो टू बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10, या एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट ही रहने देते, कारण क्योंकि एरिया में एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है ना, मैं अभी देखा एरिया कितना है 96 बाय एप्सिलॉन नॉट, एरिया है 96 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 के पावर माइनस 12 इतना एरिया है, तो एप्सिलॉन नॉट हो गया, एरिया हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना है, वही बैटरी का ईएमएफ के बराबर 10 वोल्ट, 2 बाय 3 तो है ही, डिवाइड करना है आपको डी से, डी कितना है 4 मिलीमीटर, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया और क्या कट रहा है, दो ये 6 से 16, तो 16 इंटू 10 की पावर माइनस 8 आ रहा होली, 3 × 4 हाँ माइनस 8, तो क्यू का वैल्यू इतना कूलम, तो इसको 0.16 माइक्रो कूलम बोल सकते हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं आंसर क्या दिया हुआ है, ये था क्वेश्चन नंबर 33, तो 33 का आंसर है मेरे पास 33 0.16 माइक्रो कूलम, हाँ सही, ठीक है, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो चलो आगे बढ़ते हैं, तो आई होप ये समझ में आ गया हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में द कैपेसिटेंस बिटवीन द एडजेसेंट प्लेट्स इज 50, अब याद रखना जब भी ऐसा बोला जाए, मतलब हम लोग पहले देख चुके हैं ये वाला फेस और ये वाला फेस में इक्वल अपोजिट चार्जेस होंगे, तो ये मिलके एक कैपेसिटर है, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी इक्वल अपोजिट चार्जेस होंगे, ये भी मिलके एक कैपेसिटर है, तो यहाँ पे सिर्फ दो कैपेसिटर्स, ठीक है, इसी में ध्यान देना है ना। तो वापस जूम आउट करते हैं, तो आपके पास बोला गया है एडजेसेंट फेसेस के बीच में, एडजेसेंट प्लेट्स के बीच में कैपेसिटेंस कितना है 50 नैनो फैराड, ठीक है। तो दोनों को सी वैल्यू ले लिए, सी का वैल्यू कितना है 50, अ चार्ज ऑफ वन इज प्लेस्ड ऑन द मिडिल प्लेट, तो इसमें वन दे दिया हमने, ठीक है, वन माइक्रो दिया है। व्हाट विल द चार्ज ऑन द आउटर फेसेस, आउटर सरफेस ऑफ द अपर प्लेट, तो आपको पता है वही चीज़ है जो हर क्वेश्चन में करते हैं, इसमें जीरो दिए इसमें जीरो दिए है ना, तो टोटल कितना चार्ज दे दिए तीनों को मिला के, एक्सटर्नल चार्ज इतना दिए,
डेड बाय टू कर दो तो हो जाएगा 0.5, यानी आउटर मोस्ट फेसेस में तो 0.5 होना ही होना है। ठीक है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टू कर देंगे, वही आउटर मोस्ट फेसेस में आ जाएगा, सेम साइन चेंज नहीं, सेम है ना। तो व्हाट विल द चार्ज ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द अपर प्लेट, 0.5 पहला का आंसर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द अपर एंड द मिडिल प्लेट, तो अपर और मिडिल प्लेट में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, अपर प्लेट में टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए, ऊपर वाले फेस में 0.5 है तो नीचे वाले फेस में -0.5 होगा, और क्योंकि ये दोनों फेसिंग सर्फेस है तो इसमें -0.5 है तो इसमें +0.5 होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस विद द अपर एंड द मिडिल प्लेस, यानी इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा आपसे। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर है आपको, जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला कैपेसिटर, ये इस बाउंड्री के अंदर जो कैपेसिटर है उसके लिए Q इज इक्वल टू सी वी लगाते हैं। चार्ज कितना है इस पर? +0.5 चार्ज, उसी को बोलते हैं ना जो पॉजिटिव प्लेट में हो, है ना, पॉजिटिव फेस में हो, है ना, इंटू सी। सी कितना बोला गया था आपको? कैपेसिटेंस बोला गया था 50 नैरो का। ठीक है, तो इसको रब कर लेते हैं, 50 नैरो फैराड, 50 नैनो, नैनो मतलब 10 की पावर -9 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यही तो पूछा है। तो आपका आंसर आ जाएगा दिस डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पॉइंट फाइव इंटू, ये मैं कितना टाइम ले रहा हूँ, कैलकुलेशन दिमाग ही नहीं चल रहा। हाँ, तो 10 की पावर -7, तो यानी 10 की पावर 7 वोल्ट है, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है। चेक कर लेते हैं एक बार, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुआ तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर था ये, कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 34। तो 34 का आंसर दिया हुआ है बुक में, 10 वोल्ट दिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आया। हाँ, समझ में आ गया मुझे, ये क्यू का वैल्यू जो था 0.5 माइक्रो कूलम था ना। ठीक है, तो -6 से मल्टीप्लाई करना है आंसर को, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है ना, वो 10 की पावर -6 छूट गया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34, नीचे हो जाओ। हाँ, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन 35, बीच में कर लो, थोड़ा थोड़ा जूम कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में कंसीडर सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, इफ वन इज प्लेस्ड ऑन द अपर प्लेट इंस्टेड ऑफ द मिडिल प्लेट, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपर और मिडिल के बीच में क्या होगा, मिडिल और लोअर के बीच में क्या होगा। ठीक है, तो प्लेट्स को थोड़ा थिक ड्रॉ कर रहे समझाने के लिए, और ये लास्ट वाला प्लेट, अपर मिडिल और लास्ट प्लेट। ठीक है, हम लोग 1 कूलम चार्ज दिए मिडिल प्लेट को, इसको 1 दिए है ना, इसको तो 0 दिए, इसको भी 0 दिए, टोटल सम हो जाएगा 1, और उसका हाफ करेंगे तो 0.5, यानी आउटर मोस्ट फेसेस में भी तो सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल चार्ज में फ़र्क नहीं, तो आउटर मोस्ट फेसेस में फ़र्क नहीं है ना। अब इसमें 0 चाहिए टोटल, ऊपर में +0.5 है तो नीचे माइनस, फेसिंग सरफेस में सेम होगा। अब इसमें +0.5 है, टोटल 1 चाहिए तो इसमें भी +0.5। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और चेक भी कर लो लास्ट में, ये माइनस और ये प्लस मिल के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए। अब क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है अपर एंड मिडिल प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ठीक है, अब याद रखना कंडक्टर है, तो आप इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी निकालो, या इस पॉइंट का निकालो, सब सेम ही आने वाले हैं। ठीक है, कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो आपको इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। ठीक है, और फिर इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। ठीक है, अब क्योंकि सी दोनों का सेम है, इसका जो सी है इसका भी वही सी है। ठीक है, चार्ज भी सेम है, सी भी सेम है, तो वी भी सेम आएगा। तो एक बार वी वन निकाल लेते हैं, वी क्या होता है, क्यू बाय सी। चार्ज कितना है इस कैपेसिटर में? +0.5 डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कितना था ऊपर से देखना होगा वैल्यू, कैपेसिटेंस था 50 नैनो फेराड, है ना, 50 नैनो, तो ये माइक्रो है चार्ज, और 50 नैनो, तो 0.5 इंटू 10 की पावर -6, और 3 ले लो, 3 तो 0.05, तो ये सही कट गया। 0.05 में 10 मल्टीप्लाई करें तो ऊपर आएगा, तो फिर से 10 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर चेक करते हैं। 35 में 10 वोल्ट, 10 वोल्ट है ना, या देखना वी टू भी सेम आएगा। ठीक है, वी वन वी टू सब सेम है, क्योंकि क्यू सेम है, सी सेम है, क्यू यहाँ भी देख लो सेम है, सी भी सेम है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया तो सी सेम है, क्यू सेम है, हम लोग पता कर लिया ना। 35 क्या, 36,
two capacitors of capacitance 20 picofarad and 50 picofarad are connected in series with 6 volt battery. तो 20 और 50 को कनेक्ट किया गया इन सीरीज विथ अ 6 वोल्ट का बैटरी, ठीक है। बैटरी का पोलैरिटी इधर लो उधर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 20 का है 50 का है, पीको में याद रखना। तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो दोनों के में क्या होगा। अब दोनों तो सीरीज में तो चार्ज सेम होगा, याद रखना अनचार्ज कैपेसिटर को जब सीरीज में कनेक्ट करते हो तो चार्ज सेम होता है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अक्रॉस अगर V2 है, तो सबसे पहले तो V1 प्लस V2 को जोड़ेंगे तो 6 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 6 का है और ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है और ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है, तो यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में 6 वोल्ट का होना चाहिए और इन दोनों पॉइंट के बीच में खाली कैपेसिटर ही इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप और इसके अक्रॉस ड्रॉप करेंगे तो 6 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन दो अननोन है, एक इक्वेशन है सॉल्व नहीं होगा, दूसरा इक्वेशन Q इज इक्वल टू सी वी, तो Q इज इक्वल टू सी वी और दूसरे में Q इज इक्वल टू सी वी, पी से पैक पी को है ना, स्मॉल पी होता है ऐसे, तो क्यू से क्यू कैंसिल, क्यू तो सेम ही आएगा है ना, तो ये इतना कैंसिल, तो 2V1/5V2 इज इक्वल टू 1 है, तो V1/V2 का रेशियो पता चल गया आपको, V1/V2 कितना है 5/2, ठीक है। अब V1/V2 5:2 है, तो मान लो ये रेशियो के बराबर है, तो V1 हो जाएगा 5 के, V2 हो जाएगा 2 के, तो V1 प्लस V2 हो जाएगा 7K इक्वल टू 6, तो K का वैल्यू 6/7, K का वैल्यू 6/7 पुट कर देंगे तो ये 30/7 और ये 12/7, ठीक है। तो कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 30/7 और 12/7, चेक कर लेते हैं आंसर। 36 का आंसर मेरे पास है, 30/7 और 12/7, 12/7 1.71 आएगा और 30/7 4.29 आएगा अकॉर्डिंग टू द बुक, ठीक है। ये 1.7 आएगा, ये 4.2 के आसपास आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट और सी पार्ट बचा हुआ है। बी पार्ट में पूछा गया आपसे एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, ओके, खाली बी पार्ट बचा हुआ है, दोनों का एनर्जी लिखना है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, हाफ इंटू क्यू इंटू वी कर दो या हाफ सी वी स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो एनर्जी इन वन कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारा फॉर्मूला है, जो जो वैल्यू पता है वही करना यूज है ना, तो हाफ सी वी स्क्वायर यूज कर, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ सी, सी कितना है पहले वाले का 20 पीको, पीको इतना होता है, हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, पोटेंशियल डिफरेंस पहले वाले के अक्रॉस कितना है, V1 कितना है, तो 30/7, ठीक है। ये U1 हो जाएगा, वैसे U2 निकाल लो, या तो U2 निकाल लो या तो आपको पता है कि U1/U2 का रेशियो निकाल लो। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि Q दोनों के लिए सेम है, तो Q2/2C यूज करो, ठीक है। तो Q2/2C1, Q2/2C2, तो ये C2/C1 आएगा, तो U1/U2 C2/C1। इससे आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा U2 निकालने के लिए, क्योंकि U1 यहाँ से पता चल गया, उसको यहाँ पुट कर दो, C2/C1 का रेशियो पुट कर दो, C2/C1 कितना है 5/2, ठीक है। तो U2 निकालने के लिए 2/5 ऑफ U1 यानी 0.4 टाइम्स U1 है ना, या पहले आप जैसे कर रहे थे हाफ सी वी स्क्वायर वैसे भी कर सकते हैं। तो ये आपका U1 U2 का वैल्यू मिल जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, नहीं आएगा तो बताना। 36 था ये, मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 37। Two capacitors of capacitance 4 and 6 are connected in series with a battery of 20 volt. Find the energy supplied by the battery. ठीक है, तो सीरीज में कनेक्ट किया गया है 4 और 6 को, और बैटरी कितना है 20 वोल्ट का है, तो क्यों ना इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर ले। तो 6 और 4 का इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 चौक 24, 6 4 10, 2.4 है ना, C1 C2 divided by C1 plus C2। एक में कन्वर्ट करने का फायदा क्या हुआ, अब मुझे एक ही कैपेसिटर का एनर्जी लिखना है, फाइंड द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, ठीक है। तो बैटरी यहाँ पे जितना एनर्जी सप्लाई करेगा, यहाँ भी तो उतनी सप्लाई करेगा ना, क्योंकि इक्विवेलेंट है इसका, ठीक है। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का रहेगा, जैसे यहाँ पे नहीं बोल सकते थे हम लोग 4 के अक्रॉस कितना है 6 के अक्रॉस कितना है, हाँ दोनों का अक्रॉस जो होगा उसका सम 20 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्टली बोल सकते, इसलिए इक्विवेलेंट में निकालना आसान है। तो एनर्जी सप्लाइड एनर्जी हो जाएगा Q2/CV या हाफ सी वी स्क्वायर, Q2/CV यूज नहीं कर रहे क्योंकि क्यों नहीं पता, तो हाफ सी वी स्क्वायर यूज करते, तो हाफ सी वी स्क्वायर 400 2 200 24 48 480 जूल, ठीक है। 37 का आंसर चेक कर लेते हैं, 37 का आंसर 480 नहीं है 960 है,
क्या हो गया, 4 2 हाफ सी वी स्क्वायर, 6 चौक 24, 24 और 10 एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी हुआ है ना। ओके ओके ठीक है, ये तो हम लोग जो लिखे ये एनर्जी ऑफ कैपेसिटर है, ठीक है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर है 480। हमें को पूछा था एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, तो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी जो होता है, एनर्जी जो बैटरी सप्लाई किया है वो होता है ट्वाइस ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की एनर्जी का डबल होता है, ठीक है, क्योंकि आधा एनर्जी चल जाता है हीट एनर्जी में, ठीक है, उसका डबल कर दो तो 480 का डबल करेंगे तो 960, ठीक है, ये तो 37। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में, ईच कैपेसिटर शोन इन फिगर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 10, ठीक है, यहाँ चार कैपेसिटर्स अगर आपको दिख नहीं रहा ए बी सी डी, चारों का नाम दिया हुआ है और सब 10-10 के है ना, ठीक है, तो आपको बोला गया है द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 100, ये 100 वोल्ट का बैटरी जुड़ा हुआ है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन ईच ऑफ द फोर कैपेसिटर, सब में कितना एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करें क्या, या सीधा एनर्जी क्यू निकालते सब में, क्यू स्क्वायर बाय 2c करेंगे तो एनर्जी आ जाएगा सब में, है ना, तो चार्ज तो निकाल सकते हैं आराम से। पहले देखो ये है 10 का, ये और मिल के 5 के हो जाएंगे, सॉरी 20 के हो जाएंगे, 10 और 10 पैरेलल में तो 20, और ये फिर से 10 का, ठीक है, 10 20 10, ये लोग किस में कनेक्टेड है, ये लोग आपको पता है सीरीज में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये करेंगे ना इक्विवेलेंट, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 2 1 2 2 4 1 5, तो सी का वैल्यू कितना आया, 4 आया, यानी इस पूरे दुकान के बदले एक कैपेसिटर 4 का लगा दो 100 वोल्ट, तो कितना चार्ज सप्लाई करेगा बैटरी देख लो, क्यू इजकल टू सी वी, 400 माइक्रोकूलम बैटरी सप्लाई करेगा, ठीक है, तो इक्विवेलेंट को जितना सप्लाई करता है एक्चुअल कॉम्बिनेशन को उतना ही करता है, तो यहाँ भी 400 सप्लाई किया, अब ये 400 इसमें तो चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना ये दोनों कैपेसिटर्स इक्वल है ना, तो इक्वल है, कैपेसिटेंस इक्वल है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, तो V सेम है, C सेम है, तो Q भी सेम होगा, तो इसमें जितना चार्ज है वही चार्ज इस पूरे में होना चाहिए और वही चार्ज इसमें भी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें इंडिविजुअली क्योंकि बीच वाले में दो कैपेसिटर्स है और दोनों इक्वल चार्ज शेयर करेंगे, हम लोग प्रूफ कर दिए, तो Q by 2 है ना, तो ऊपर वाले में भी Q by 2 और नीचे वाले में भी Q by 2, समझ में आई बात, सब में कितना चार्ज आएगा क्यू, आउटर वाले में क्यू क्यू और बीच वाले में दोनों Q by 2 Q by 2, ठीक है, सीरीज में सबके सेम होता है, सो सीरीज वाले देखे तो सब में सेम है, लेकिन बीच में खुद दो ठो है तो दो लोग मिलके वो सेम वैल्यू शेयर करेंगे, ठीक है, तो अब सबका चार्ज पता है तो क्यू स्क्वायर बाय 2c यूज कर लो, तो आपको दिख गया यहाँ पे दो है अलग अलग डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगे क्या बोलते हैं एनर्जी के, क्योंकि चार्ज सबका सेम है एक्सेप्ट बीच वाले का क्यू बाय 2 है और सी भी सबका सेम है ना, तो एनर्जी निकालेंगे किसी एक का निकालें तो क्यू स्क्वायर बाय 2c यूज करते हैं, क्यू के वैल्यू में पता है 400 माइक्रो, तो क्यू स्क्वायर बाय 2c और कैपेसिटेंस हमें दिया हुआ था 10 माइक्रो, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 16 × 10⁻¹⁸ और नीचे में 20 × 10⁻¹⁶, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻², और 4 × 16 4 × 5 = 20, तो 4/5, तो एक 10 बोरो कर लेते हैं वहाँ से, 40/5 × 10⁻³, तो 8 × 10⁻³, ठीक है, तो जिसमें इसमें चार्ज क्यू है उनका उनका एनर्जी एनर्जी जिसमें इसमें चार्ज क्यू है उन कैपेसिटर को हो जाएगा 8 × 10⁻³ जूल, यानी 8 mJ, ठीक है, अब एक और टाइप का कैपेसिटर जिसमें एनर्जी कितना था क्यू बाय टू बीच वाले में, अब उसका निकालने के लिए तो पूरा कैलकुलेशन करो या सिंपली ये सोचो कि एनर्जी जो होता है वो क्यू स्क्वायर बाय 2c होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना, अब c तो सबका सेम है तो यू 2c सेम है तो यू प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, क्योंकि सब में c सेम है तो क्यू स्क्वायर बाय 2c वाला फॉर्मूला के हिसाब से यू प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, ठीक है, तो U1 / U2 Q1 / Q2, तो अगर Q1 को मैं Q/2 ले रहा हूँ Q2 को क्यों ले रहा हूँ क्योंकि एक में हाफ एक में उतना है तो 1/4 आएगा, तो जिसमें हाफ चार्ज है उसका एनर्जी 1/4 आ रहा है ना, तो जिसमें हाफ चार्ज है उसका एनर्जी 1/4 ऑफ ओरिजिनल आ रहा है, तो इसका 1/4 करेंगे, पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हो आपका मर्जी, लेकिन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ज़्यादा कैलकुलेशन जरूरत नहीं पड़ेगा अगर प्रोपोर्शनलिटी वाला चीज़ यूज़ करो,
तो इसमें क्यू चार्ज उसमें 8 मिली जूल और इसमें क्यू बाय टू है उसका 2 है ना, तो इसमें एनर्जी और इसमें एनर्जी 8 हो जाएगा ठीक है। और यहाँ बीच वाले में दोनों में 2 मिली जूल 2 मिली जूल ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। हाँ ये तो 38, 38 का आंसर चेक कर लेते हैं। 8 मिली जूल इन ए एंड डी, 2 मिली जूल इन बी एंड सी ठीक है। ए और डी फर्स्ट और लास्ट वाला, बीच वाला दो टू सी और डी ठीक है, ये था 38। मूविंग ऑन 39, थोड़ा बीच में कर लेते हैं। 39 क्वेश्चन में अ कैपेसिटर विच विथ स्टोर्ड एनर्जी 4 जूल, अगर ये दिख नहीं रहा तो ये 4 है, इज कनेक्टेड विथ ए विथ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर विथ नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन ठीक है। तो फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कैपेसिटर्स ठीक है। तो आपको बोला गया एक कैपेसिटर है जिसमें एनर्जी कितना है 4 जूल, उसको कनेक्ट कर दिया एक आइडेंटिकल कैपेसिटर से। अब जब भी आपको बोला जाए कनेक्ट किया जाए गया एक कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर में, और कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं गया है, तो आप मान लेना उनको पैरेलल में कनेक्ट किया, क्योंकि और कोई मतलब ही नहीं है कनेक्ट करने का ठीक है। बस जब भी बोलेगा दो कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया और कुछ नहीं बोला गया, मतलब दोनों के प्लेट्स को कनेक्ट किया गया, एक साइड वाले और दूसरे साइड वाले प्लेट्स को भी कनेक्ट किया गया ठीक है। तो इसमें मान लो चार्ज है, ऊपर वाला चार्ज है, नीचे वाला अनचार्ज है। अभी ऑफकोर्स ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन नहीं है क्योंकि चार्ज फ्लो होगा है ना, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। कुछ देर बाद आप देखोगे तो दोनों में चार्ज जितना फ्लो होना था एक से दूसरे में हो गया, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन जितना चार्ज फ्लो होना होगा हो गया ठीक है। मान लो इसमें चार्ज है क्यू नॉट, इसमें माइनस क्यू नॉट ठीक है। अब क्योंकि आपको बोला गया है फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड है ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मान लो इसमें चार्ज है Q1, इसमें चार्ज है Q2, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए V रहेगा क्योंकि पैरेलल में, तो Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V। बाय द वे दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो C1 C2V इक्वल है ठीक है। तो एक काम करते दोनों को ऐड कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को, तो C1 प्लस C2V, तो Q1 प्लस Q2 तो Q0 होगा क्योंकि यही Q0 यहाँ और यहाँ गया है ठीक है, वही Q0 ना, इसमें कुछ रह गया होगा कुछ पार्ट, 10 होगा, 10 का था कुछ 4 रह गया, 6 यहाँ चला गया, सही कुछ होगा, लेकिन दोनों को ऐड करें तो Q0 ही होगा। और C1 प्लस C2 हमें नहीं पता, लेकिन ये बताए कि दोनों इक्वल है ठीक है, C1 C2 दोनों इक्वल है, मान लो सी है ठीक है। हाँ तो ये फॉर्मूला से हम लोग को वी निकल जाएगा कैसे, अब Q0 का वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि की जो इनिशियल एनर्जी है वो होना चाहिए हाफ सी वी स्क्वायर ठीक है, सी वन वी स्क्वायर है ना। इनिशियल एनर्जी कितना दिया था आपको, 4 दिया हुआ था ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना। बाय द वे यहाँ पे ये भी हम लोग बोल सकते हैं, अभी तक इतना करने की जरूरत नहीं था, ये दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर था ना, तो चलो मैं इसको फिर से करता हूँ, ये ज्यादा कर रहे हम लोग, मैं अभी रियलाइज किया ठीक है। अब देखो आइडेंटिकल कैपेसिटर तो तुरंत करते हैं ना, हम लोग को शॉर्टेस्ट मेथड में करना चाहिए हर क्वेश्चन को ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विथ स्टेप्स, हम लोग को शॉर्टेस्ट मेथड में मतलब हर स्टेप समझ में आना चाहिए और शॉर्टेस्ट मेथड में करना चाहिए ठीक है। तो इसमें क्यू चार्ज है, इसमें माइनस क्यू चार्ज है, इसमें 0 0 चार्ज है, अभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है, लेकिन अभी कुछ देर बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन अटेंड कर जाएगा, तो इसमें क्यू बाय टू हो जाएगा, इसमें भी क्यू बाय टू हो जाएगा ठीक है, वही मैं बोलना चाहता हूँ। क्यों, क्योंकि आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है, वी सेम है, सी सेम है, तो क्यू भी सेम होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दोनों पे चार्ज सेम रहेगा ठीक है, बस हो गया, तो काम बन गया। अब जब क्यू एनर्जी है, क्यू चार्ज है, तब एनर्जी कितना था, यू वन हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय टू सी, क्यू वन स्क्वायर बाय टू सी ठीक है, समझ में आई बात। तो ये इनिशियल वाला एनर्जी है, और ये फाइनल वाले केस में एनर्जी को सपोज मैं U2 बोल रहा हूँ, तो फाइनल स्टेट में चार्ज आप देखोगे तो किसी एक में चार्ज कितना है, क्यू बाय टू है, तो पहले चार्ज क्यू था, अब इसमें कितना है, क्यू बाय टू है ठीक है, तो यहाँ क्यू बाय टू पुट करो, बाय टू सी, दोनों का रेशियो ले लो, सी तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बाय फोर, तो ये 4 आएगा, तो U1 इज इक्वल टू 4 U2, तो U2 हो जाएगा U1 बाय 4, मतलब सिंपली क्योंकि चार्ज हाफ हो गया है, और इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो सी में तो कोई चेंज नहीं आया, चार्ज हाफ हो गया है, इन दोनों सिचुएशन में अगर देखेंगे तो सी सेम है दोनों का, लेकिन चार्ज हाफ हो गया तो एनर्जी 1/4 हो जाएगा, तो इसका एनर्जी अगर 4 था, इसका एनर्जी 1/4 हो जाएगा, मतलब 1 जूल हो जाएगा, और ये भी आइडेंटिकल है तो इसका भी 1 जूल हो जाएगा ठीक है, आइडेंटिकली चार्ज है तो इसका भी 1 जूल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 1 जूल। वही बोला कि मैं ज़्यादा कैलकुलेशन कर रहा हूँ 39th, क्योंकि आपको चार्ज वगैरह नहीं निकालना था ठीक है, आप इनफैक्ट इस केस में चार्ज निकाल भी नहीं सकते थे,
क्योंकि आपको सी नहीं पता था, है ना। तो 39th का आंसर चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। 2 जूल है, 1 जूल है अपना। फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर, ठीक है। तो टोटल एनर्जी स्टोर कितना हो जाएगा, एक में है 1 जूल, यहाँ पे ध्यान देना दोनों में 1 जूल 1 जूल है, इसमें भी 1 जूल है, इसमें भी 1 जूल है। तो टोटल पूछा था तो इन दोनों का सम करो 2 जूल, ठीक है। टोटल एनर्जी पूछा है ना, तो बाकी 2 जूल कहाँ गया। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 4 जूल था, यहाँ पे 2 जूल कैसे हो गया, एनर्जी कंजर्व नहीं क्या है। ये 4 जूल का 2 जूल अभी वाला एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था ना। बाकी रिमेनिंग 2 जूल जो है वो हीट में चला गया, ठीक है। ये जो भी कनेक्टिंग वायर से उस पर हीट डिसिपेशन के फॉर्म में चला गया वो, ठीक है। 39 था ये। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन 40। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, इट इज देन कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो 2 को हम लोग 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर को चार्ज किए विथ अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, तो क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी करेंगे तो 24 माइक्रो कूलम चार्ज रहेगा, ठीक है। तो यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो आपको दिया हुआ यहाँ पे, सपोज ऊपर वाला पॉजिटिव है तो ये प्लस 24 और ये माइनस 24, ठीक है। इट इज देन कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर, ये अनचार्ज है। तो फाइंड द चार्ज ऑन ईच ऑफ द 2 कैपेसिटर्स आफ्टर द कनेक्शन, आफ्टर द कनेक्शन मतलब लॉन्ग टाइम आफ्टर द कनेक्शन, ठीक है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन रीच कर गया हो तो उस समय का चार्ज पूछा गया आपसे, ठीक है। बहुत सारे तरीका से निकाल सकते हो आप किसी भी क्वेश्चन को, तो हम लोग कोई भी तरीका यूज कर लें। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे अब चार्ज Q1 है मान लो, और यहाँ पे प्लस Q2 है। तो आपको पता है Q1 प्लस Q2 ये कहाँ से आया होगा, Q1 और Q2 यहीं से आया होगा, यही 24 ना, कुछ पार्ट यहाँ रहा है कुछ पार्ट यहाँ चला गया, ठीक है। लेकिन आपको Q1 Q2 दो अननोन है, एक इक्वेशन है सॉल्व तो करोगे नहीं, सॉल्व कर नहीं सकते, एक और इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है, दोनों का कैपेसिटेंस हमें पता है, सी पता है, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू सी भी लिखो, वी तो सेम रहेगा दोनों के लिए, है ना, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब एंड पॉइंट सेम है ना दोनों का। तो Q1 बाई Q2 का वैल्यू C1 बाई C2 होगा, और C1 मतलब ये 2 माइक्रोफेराड और C2 मतलब 4 माइक्रोफेराड, ठीक है। क्योंकि इसको भी Q1 बोल रहा हूँ तो ये C1 होगा, तो 2 बाय 4 मतलब हाफ, तो C2 इज इक्वल टू 2C1, C2 इज इक्वल टू 2C1, ठीक है, सॉरी हाँ C2 इज इक्वल टू C1 सही है, लेकिन मैं उससे मतलब नहीं है मुझे, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू 1 है, तो Q2 इज इक्वल टू 2Q1, ये इंपॉर्टेंट है ना। Q2 के बदले 2Q1 लिख दो, तो यहाँ से Q1 का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया, Q1 8 है तो Q2 हो गया 16, ठीक है। तो चार्ज पता चल गया, एक 8 है 16 है, चेक कर लेते हैं आंसर, 8 16, हाँ सही है, 40 का ए 8 और 16 माइक्रो में रहेगा, ऑफकोर्स माइक्रो कूलम। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ईच ऑफ द 2 कैपेसिटर्स, तो एनर्जी कितना स्टोर्ड है, तो एनर्जी इन फर्स्ट कैपेसिटर हो जाएगा Q2/2C, ठीक है, और एनर्जी सेकेंड कैपेसिटर हो जाएगा Q2/2C। या तो कैलकुलेट करो या तो रेशियो लेके निकाल लेना, है ना, रेशियो लेके निकालना जल्दी हो जाएगा, तो एक का निकाल लो दूसरे का रेशियो ले लो। Q1 कितना था, 8 माइक्रो बाय 2C, और पहले वाले का कैपेसिटेंस कितना था, 2 μ, ठीक है। तो 64 μ² 4 μ, म्यू मतलब माइक्रो है, ठीक है, मैं म्यू बोल रहा हूँ, तो 16 माइक्रो जूल, तो U1 है 16 माइक्रो जूल। आपको पता है U1 बाय U2 का रेशियो, यहाँ से C तो सेम है, Q1 बाय Q2 का स्क्वायर, ठीक है, और Q1 Q2 कितना था, 8, Q1 बाय Q2 हमें पता था 1/2 था, यहाँ से देख लो Q1 बाय Q2 कितना था, 1/2 था, तो 1/4, ठीक है। तो U2 क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स U1, U1 का वैल्यू 16 है तो 64 माइक्रो जूल है ना, तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा 32 है, तो Q2/2C में गलती की है क्या, Q1/Q2 1/2 था, 1/4 सही तो है, सी सेम नहीं था, सॉरी, दोनों का सी अलग अलग है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना बेकार है रेशियो में। रेशियो में कौन सा यूज़ करो, हाफ CV² यूज़ करो, ठीक है, ये मैं सी सेम मान के यूज़ करें इसको, ठीक है, इसलिए आंसर चेक करना ज़रूरी होता है। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यू क्या होता है, हाफ CV², ये फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल में है तो वी सेम है दोनों का, वी सेम है तो ये फॉर्मूला फिर जल्दी इससे आ जाएगा, है ना, क्योंकि वी कैंसिल हो जाएगा, तो C1 C2, तो U1 U2 C1 C2 का रेशियो, C1 C2 है 2 और 4,
तो हाफ, तो यू टू इज ट्वाइस ऑफ यू वन, यू वन आया था 16 तो उसका डबल मतलब 32। ठीक है, क्या गलती हुई थी समझ में आई ना, मैंने यहाँ पे सी को सेम माना था लेकिन सी सेम नहीं था, मुझे लगा सेम है। ठीक है चलो, सेकेंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट है द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन कैपेसिटर टू द अदर, तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में हीट प्रोड्यूस में क्या करो, आप शुरू का टोटल एनर्जी निकाल लो, पाथ का टोटल एनर्जी निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालो। ठीक है, तो शुरू का टोटल एनर्जी आप निकालो यू इनिशियल, यू इनिशियल आप निकालोगे तो यहाँ पे खाली यही तो चार्ज है। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर बाय टू सी है ना, तो क्यू स्क्वायर बाय टू सी। ठीक है, तो 24 इंटू 24 बाय 4, तो 4 6 144 माइक्रोजूल। ठीक है, यूनिट चेक कर लेना, माइक्रो में आएगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था या इनिशियल एनर्जी सिस्टम का यही फॉर्म में एनर्जी है 144। फाइनल कितना है, फाइनल आप देख लिया अभी 16 और 32 है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है 16 प्लस 32 है ना। एक से दूसरे में चार्ज ऑफ ट्रांसफर होना जितना हो गया उसके बाद अगर एनर्जी देखे तो सिस्टम का कितना है 16 प्लस 32, तो हो जाएगा 48। तो पहले था 144 और फिर है 48, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हीट हो जाएगा, हीट हमेशा होता है लॉस इन, इस क्वेश्चन में हो जाएगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लॉस हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल था 144 फाइनल है 48, इनका डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 96। ठीक है, समझ में आई बात। तो वो था क्वेश्चन नंबर 40, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। आप देखो अगर ये समझ में नहीं आया तो सिंपल ऐसा था, ये चार्ज कैपेसिटर है, ये अनचार्ज है। ठीक है, ये सिस्टम का एनर्जी निकाल ले, इनिशियल एनर्जी आया था जो भी खाली ऊपर वाले कैपेसिटर के पास है 144, फिर दोनों ही चार्ज है क्योंकि कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो कनेक्ट किए तो चार्जेस फ्लो होंगे पॉजिटिव यहाँ से यहाँ, कुछ वैसे नेगेटिव भी फ्लो होंगे। चार्जेस अगर फ्लो हो गए तो कुछ ना कुछ एनर्जी डिसिपेट हुआ होगा है ना, वो पता चल जाता है हमें, क्योंकि फाइनल एनर्जी इज लेस देन इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितना आया था 48 आया था। ठीक है, फाइनल एनर्जी में इसका भी होगा, इसका भी होगा, U1 और U2 को ऐड करेंगे तो फाइनल एनर्जी मिलेगी। इनिशियल में तो खाली इसके पास है, इसके पास जीरो एनर्जी। ठीक है, इसके पास 144 था, इसके पास जीरो था, ऐड कितना है बाद में इसके पास 32 था और 16 था, एक के पास 16 था और एक के पास 32 था है ना, इन दोनों को ऐड किया था 48। ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो उतना एनर्जी हीट में चला गया होगा, क्योंकि और कोई मोड ऑफ एनर्जी या फॉर्म ऑफ एनर्जी, मोड नहीं फॉर्म ऑफ एनर्जी यहाँ पे है ही नहीं, या तो चार्ज स्टोर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी है या तो हीट एनर्जी होगा। ठीक है, करंट वरेंट है ना यहाँ पे, जो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी आएगा ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी कैसे आता है। ठीक है, ये क्या होता है इसका एक्सप्रेशन, अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, हमें पता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एनर्जी जो होता है इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी कहाँ पे स्टोर्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हो रहा है तो अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी इसका एनर्जी पूरा हर जगह है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह है इसके कारण। ठीक है, तो हर पॉइंट में एनर्जी भी है ना। तो आपसे एनर्जी किस पूछा है, कहाँ पूछा है, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो आर रेडियस का स्फीयर बनाओ, उससे आउटसाइड रीजन मतलब ये वाला रीजन में कितना एनर्जी स्टोर्ड है बताना है आपको। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा लेकिन मैं उतना ड्रॉ नहीं कर सकता, इस रीजन में कितना एनर्जी है। ठीक है, तो हम लोग काम करेंगे, हम लोग टोटल एनर्जी निकाल लेंगे, या चलो इसी को निकालते हैं है ना, आउटसाइड रीजन में कितना एनर्जी है। तो ये वाला रीजन जो है, पहले इस रीजन को अगर हम लोग इक्वेशन से या एक वेरिएबल से डिनोट करना चाहे इस रीजन के पैरामीटर्स को, तो ये है आर इक्वल टू ज़ीरो, ये है आर इक्वल टू आर, और ये है आर इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जिस रीजन का बात हो रहा है, डिफरेंट कलर से आपको दिखाता हूँ रेड से, इस रीजन का बात हो रहा है। ठीक है, हर तरफ में मैं एक ही डायरेक्शन में ड्रॉ कर पा रहा हूँ, ऐसे करके हर तरफ है ना। ये रीजन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये रीजन फैला हुआ है आर इक्वल टू कैपिटल आर से लेके आर इक्वल टू इन्फिनिटी तक। तो आपका जो एनर्जी पूछा गया है वो है एनर्जी इन द रीजन विच वेरीज फ्रॉम या विच लाइज फ्रॉम आर इक्वल टू आर टू आर इक्वल टू इन्फिनिटी आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो आर के इनसाइड वाला रीजन जो है जीरो से आर तक है, तो जीरो से आर तक के अलावा, जीरो टू कैपिटल आर के अलावा जो भी रीजन है, तो कैपिटल आर से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, जीरो टू कैपिटल आर, कैपिटल आर टू इन्फिनिटी, यही रीजन तो है। तो इस रीजन का आपको एक्सक्लूड करने बोला है, सिर्फ इस रीजन का बताने बोला है।
ठीक है, तो इसको आपको इंटीग्रेट करना है ना। तो किसी भी स्मॉल वॉल्यूम का एनर्जी निकाल ले हम लोग यहाँ से, यहाँ पे किसी भी स्मॉल स्फेरिकल वॉल्यूम का एनर्जी निकाल ले, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा साफ करता हूँ यहाँ पे। साफ हो जाओ भैया। हाँ चलो साफ हो गया, तो आप ध्यान देना अब यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज है और ये r इक्वल टू r है, ये इन्फिनिटी है। तो r से इन्फिनिटी तक में मैं एक रीजन ले रहा हूँ जिसका रेडियस r है। ठीक है, तो इसको थोड़ा जूम आउट करते ताकि यहाँ पे बन सके ये चीज़, है ना। तो यहाँ पे या तो मैं इसको अलग ही जगह ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे बनेगा नहीं, तो मैं यहाँ नीचे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे चार्ज है, ये डिस्टेंस r पे है, ये डिस्टेंस स्मॉल r पे और ये इन्फिनिटी पे है। ठीक है, अब आप एक स्फीयर इमेजिन करो जो कि कैपिटल स्मॉल आर रेडियस का है। स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर इमेजिन करो, ये हो गया स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर। ठीक है, और इसका कुछ थिकनेस इमेजिन करो, बहुत ही थिन वॉल्यूम। थिन वॉल्यूम क्यों ले रहा अभी तक तुम समझ में आएगा, बहुत ही थिन, बहुत ही पतला थिकनेस करो। ये बहुत ही थीन है, बहुत ही थीन मतलब जैसे आपको बताता हूँ मैं, ये आर था ना, ये आर था तो ये आर प्लस डी आर, इतना थीन है ये। ठीक है, अब इतना थीन है कि इसके हर पॉइंट के लिए आप बोल सकते हो कि सेंटर से डिस्टेंस में कितना है, आर है, इतना थीन है ये, है ना। जैसे फोर प्लस फोर से लेके 4.00001 तक उस वीक का है ना, वैसा क्यों विथ ले रहे, तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो होता है के क्यूब बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इसलिए हम डिस्टेंस को बहुत थिन लिए ताकि इस ये जो वॉल्यूम में ड्रॉ किया हूँ इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, है ना। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी जो होता है वो होता है हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, है ना। इसको थिकनेस को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं या जूम कर लेते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ऊपर चल जाओ भाई, कहाँ था ये, नीचे इतना ऊपर क्यों चला गया, हाँ यहाँ पे है ना। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो वैसे ही रहने दो, ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, ई का वैल्यू है ऊपर देखो के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो आपका एनर्जी डेंसिटी इतना होगा। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी सपोज इस छोटे वॉल्यूम में एनर्जी है डी यू, छोटे वॉल्यूम मतलब इस पूरे शेल में, ठीक है, पूरा दिखा नहीं रहा हूँ लेकिन ये जो शेल पूरा है और इसका वॉल्यूम है डी वी। तो एनर्जी डेंसिटी का डेफिनेशन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो स्मॉल वॉल्यूम और स्मॉल एनर्जी का रेशियो ले लेंगे, डी यू बाय डी वी मतलब स्मॉल एनर्जी डिवाइड बाय स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है, तो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय आर की पावर फोर। तो यहाँ से डी यू का वैल्यू आपके पास आ गया एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर बाय टू, ठीक है, इंटू क्यू स्क्वायर और वन बाय आर स्क्वायर। ऐसा लिखा हूँ क्यों, क्योंकि ये चीज़ कॉन्स्टेंट है, ये r पे डिपेंड नहीं कर रहा है, स्मॉल r पे, बाकी ये r पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो du का एक्सप्रेशन मिल गया, एक बार du का एक्सप्रेशन मिल गया तो यहाँ पुट कर दो। ठीक है, ये जो एनर्जी का फॉर्मूला इसमें पुट कर दो, तो पुट करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट वाला टर्म। कॉन्स्टेंट टर्म कितना है, एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय टू, एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय टू, ये हो गया आपका कॉन्स्टेंट वाला टर्म। इसको तो लिख दिया हम लोग, इधर क्या बचा है, वन बाय फोर आर, वन बाय आर की पावर फोर, वन बाय आर की पावर फोर, ठीक है, इंटू डी वी, डी वी भी लिखना है, सॉरी मैं तो डी यू लिखा, डी यू इंटू डी वी, है ना। अब डी वी में क्या आएगा एक्सप्रेशन, डी वी का देखो, इंटू डी वी भी है, ठीक है। अब डी वी का वैल्यू क्या होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, थिन शेल का वॉल्यूम कितना होता है, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, सरफेस एरिया कितना होगा, आर रेडियस है तो सरफेस एरिया फोर पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस, तो डी वी हो जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस। ठीक है, चीज़ों को कैलकुलेट करिए, बाप रे बाप बहुत कैलकुलेशन है, आर 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 स्क्वायर से ये आर स्क्वायर बचेगा, और कोई टर्म है नहीं, बाकी सब कांस्टेंट है। तो एप्सिलॉन नॉट
के स्क्वायर पाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर पाई स्क्वायर पाई हो गया और आर के पावर माइनस टू डी आर फ्रॉम कैपिटल आर टू इन्फिनिटी। ये आपका एनर्जी, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करके चेक कर लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पे। अगर आपको दिख रहा है अभी तक, दिखना ही चाहिए अभी तक, तो ये थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अगर इंटीग्रेट करें हम लोग, तो एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर क्यू स्क्वायर पाई इंटू आर की पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन हो जाएगा, आर की पावर माइनस 1/1, ठीक है। और आर टू आर, तो इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/r, तो ये सब इंटीग्रेशन के बाद 1/r। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, यही आपका आंसर हो जाएगा, पाई से एक पाई गया, ठीक है। तो आपका आंसर होना चाहिए क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके एक एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा आर, ठीक है। और इसको के के टर्म में लिखे तो क्या होता है 1/4, तो के क्यू स्क्वायर बाय 4 आर। ये आपका यार माइक्रोफोन का बैटरी खत्म हो गया था, तो फिर से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है कोई सेक्शन। तो यहाँ पे आपको फिर से मैं दिखाता हूँ, तो आपको याद होगा ये एक्सप्रेशन तक तो हम लोग लाए थे, ठीक है। फिर डीवी का इतना पुट किए थे, तो डीवी का इतना पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा, फिर 4 पाए यहाँ का 4 पाए और एप्सिलॉन को मिला के हम लोग 1/k लिखेंगे, तो 1/k से k स्क्वायर कट के k बचेगा, ठीक है। अल्टीमेटली आपका एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर ऐसा दिखेगा, है ना। बस तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करना है, u निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और के क्यू स्क्वायर बाय 2 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो। और r स्क्वायर, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना था, r टू इन्फिनिटी, r के पावर माइनस टू डी आर, r टू इन्फिनिटी। तो ऑलरेडी मैं ये सब कर चुका हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन आवाज़ गई है तो मैं इस क्वेश्चन को हाफ से फिर से कर रहा हूँ एटलीस्ट। तो इंटीग्रेशन के बाद 1/r आएगा, ये माइनस 1/r आएगा, तो इन्फिनिटी वगैरह पुट करेंगे तो अल्टीमेटली के क्यू स्क्वायर बाय 2r आएगा, ठीक है। अब आंसर चेक करते हैं इसका, आंसर में दिया हुआ क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखे अगर, तो 4 × 2 8 हो जाएगा, इतना आ जाएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। चेक कर लेते हैं अभी, तो आवाज़ आ रही है ना, आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। अब देखना आगे का क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर चुका हूँ, क्योंकि अचानक से बीच में आवाज़ गायब हो गया, लेकिन पता नहीं चला, है ना, बैटरी ख़त्म हुआ तो, ठीक है। जैसे ये सब क्वेश्चन कर चुका हूँ, लेकिन मैं इसको मिटाता हूँ, फिर से करना होगा। हाँ चलो इसको भी थोड़ा रब कर ले, तो क्वेश्चन नंबर 42 हुआ, नहीं अभी तो खाली 41 भी नहीं हुआ है, कौन सा हुआ है अभी, 41 हुआ है, ठीक है। 42 से करना होगा, तो ये भी मिटाना होगा, ये ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं, ठीक है। चलो फिर से करते हैं 42, ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ हो रही है, एक बार रिकॉर्डिंग नहीं होती ना तो फिर डर आ जाता है कि अभी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो 42 में अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल वी, ठीक है। अब देखते हैं वी चार्ज, वी पोटेंशियल के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो ये मेटल है, ये देखना मेटल है, आइसोलेटेड मेटल है, तो चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और ये चार्ज कितना अमाउंट का है, क्यू अमाउंट का है, सच दैट इसका पोटेंशियल कितना है, वी है, ठीक है। तो हमें पता है पोटेंशियल ऑन द सर्फेस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल शेल होता है के क्यू बाय आर, जो भी इसका रेडियस हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको Q का वैल्यू मिल जाएगा वी आर बाय के, ठीक है। तो Q का वैल्यू वी आर बाय के याद रखना है ना। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि दिस इज आइडेंटिकल टू, दिस इक्वेलेंट टू, इसी पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज पुट कर दो, आपको पता है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज शेल को रिप्लेस कर सकते हैं पॉइंट चार्ज एट सेंटर। तो आउटसाइड पॉइंट पे जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे था, क्योंकि अंदर में तो जीरो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मेटल है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेटल के इंटीरियर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो यहाँ पे भी आउटसाइड पॉइंट्स पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है।
हाँ, अब ये चीज को इसके इक्वेलेंट यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? पहला तो है इक्वेलेंट, लेकिन क्यों देख रहे हैं? इससे देख रहे क्योंकि पिछला क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन था। पिछला क्वेश्चन भी ऐसा था ना, एक पॉइंट चार्ज था, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड था और आपको उसका एनर्जी निकालना था, ठीक है। अब यहाँ पे एनर्जी कहाँ से कहाँ तक निकालना है? विद इन अ कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 2r, ठीक है। तो यहाँ पे एक 2r रेडियस का कंसेंट्रिक स्फीयर है, तो ऑफकोर्स लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो खाली आर से 2r के बीच में होगा, क्योंकि आर के इंटीरियर रीजन में मेटल है, तो मतलब मेटल का अंदर वाला वॉल्यूम है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, खाली आउटसाइड पॉइंट्स पे रहेगा, ठीक है। तो इस केस में आपका एनर्जी है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यानी ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा रेडियस के टर्म्स में? फ्रॉम कैपिटल आर टू कैपिटल 2r, ठीक है। आपको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है इस केस में? आर से लेके 2r तक, ठीक है। तो आर से 2r तक इंटीग्रेट करना है, मैम। तो आर से 2r तक आपको इंटीग्रेट करना है एनर्जी निकालने के लिए। और इसका वैल्यू तो हम लोग निकाले थे, डी यू का वैल्यू पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था। यहाँ भी पॉइंट चार्ज ही तो है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। भले आपके पास एक्चुअल में एक स्फीयर है जिसके सरफेस पे चार्ज है, लेकिन आपको पता है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं विद पॉइंट चार्ज सेंटर, ठीक है। और एक्सप्रेशन कितना था, ऊपर से निकाल लेते हैं हम लोग एक्सप्रेशन, जो ऊपर यूज किए थे वही वाले यूज करेंगे। तो देखो एक्सप्रेशन इतना तो है, ये मस्त एक्सप्रेशन यहाँ लिखे हुए हैं मैंने, कहाँ दिया यार, ये बहुत छोटा हो जा रहा है। हाँ, ये के क्यू स्क्वायर बाय टू इंटू आर की पावर -2, के क्यू स्क्वायर बाय टू इंटू आर की पावर -2, के क्यू स्क्वायर बाय टू इंटू आर की पावर -2, ठीक है। इसको थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं, के क्यू स्क्वायर बाय टू इंटू आर की पावर -2, ये इंटीग्रेशन है, आर से 2r तक करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सिमिलर है, फॉर्मुलेशन अलग था लेकिन सिमिलर सिचुएशन है ऑलमोस्ट, ठीक है, इक्वेलेंट है। तो बस वहां पे आर से इन्फिनिटी तक निकालना था, यहाँ से आर से लेके 2r तक निकालना है, बस वही फर्क है, लिमिट टर्म फर्क है, बाकी सब सेटअप सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब ये चीज़ इंटीग्रेट करेंगे तो के क्यू स्क्वायर बाय टू, और इसका इंटीग्रेशन -1/r, उसमें लिमिट पुट करेंगे तो 1/2r, तो अल्टीमेटली हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय 4r, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम हमें क्यू नहीं दिया है, इसे तो हम लोग क्यू का वैल्यू वी के टर्म्स में निकाल लेते हैं। क्यू का वैल्यू क्या है? वी आर बाय के, तो क्यू का वैल्यू वी आर बाय के पुट करें, ठीक है। के बाय 4r को तो वैसे रहने दिए, और क्यू का वैल्यू वी आर बाय के यहाँ पुट किए, तो ये कितना हो जाएगा? के से के गया एक, एक आर से एक आर भी गया, तो वी स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 4k, ठीक है। और के होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, है ना, के का वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट पुट करें अगर, तो ऊपर पहुंच जाएगा ये पाई पाई, 4 4 गया तो पाई एप्सिलॉन नॉट आर वी स्क्वायर, तो 42 का आंसर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वी स्क्वायर, ठीक है, मैच कर रहा है, चेक कर लिया मैं, है ना। आगे बढ़ते हैं 43, इसको भी देखो कर चुका हूँ मैं, लेकिन ठीक है, सब करना होगा। लार्ज कंडक्टिंग प्लेन हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी दिस मच, तो आपको सिग्मा दे दिया है, कंडक्टिंग है ना। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ रीजन दिस मच, ठीक है। आपको पता है कि लार्ज प्लेट के कारण, लार्ज कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, हर पॉइंट पे, है ना। तो यहाँ पे क्यूबिकल वॉल्यूम है, तो इस वॉल्यूम के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एनर्जी डेंसिटी भी यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है। क्योंकि एनर्जी डेंसिटी में खाली इलेक्ट्रिक फील्ड का ही तो डिपेंडेंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही डिपेंड करता है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो अगर ये कांस्टेंट है किसी वॉल्यूम में, कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म किसी वॉल्यूम में, तो ये भी उस वॉल्यूम में यूनिफॉर्म रहेगा, है ना। दोनों में थोड़ा स्लाइट डिफरेंट होता है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट में, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म यूज करो, ठीक है, हर स्पेस के हर पॉइंट पे सेम वैल्यू है, ठीक है। तो अगर आप, आपको एनर्जी डेंसिटी इंटू डी वी, ये हो जाएगा एनर्जी, डी यू क्या होता है, ये होता है, और यू निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। यू कॉन्स्टेंट है तो यू को बाहर ले लो, डी वी का इंटीग्रेशन आपको भी दे देगा, ठीक है। यू का वैल्यू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, के क्यू, है ना। एनर्जी कितना होता है, हाफ एनर्जी हाफ, ठीक है, ई स्क्वायर, है ना, ई हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है इन्फाइनाइटली चार्ज कंडक्टिंग प्लेन होता है, प्लेन शीट होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट गया, तो हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर वी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर वी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा का वैल्यू हमें पता है 10 की पावर -4, तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ बस उस फॉर्मूले में जो अभी लिखा था, सिग्मा स्क्वायर हो गया इंटू वी, वी कितना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर है तो मीटर में इतना, और क्यूब है तो a क्यूब, है ना, क्यूब का साइड लेंथ a है,
तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यू, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर वॉल्यूम इंटू ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस 12। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। तो चलो ये लास्ट क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन को फिर से करना पड़ा क्योंकि बैटरी खत्म हो गई थी, कोई बात नहीं। चलो अगर आपको डाउट हुआ किसी भी पॉइंट में, चाहे कितना भी छोटा डाउट हो, आप कमेंट में पूछना। लेक्चर का स्लो जो है एवरेज है, ठीक है, किसी को फास्ट लग रहा है तो स्लो करके देखो, किसी को स्लो लग रहा है तो फास्ट करके देखो, ठीक है। इससे स्लो या इससे फास्ट करेंगे तो मोस्ट ऑफ द जनता को मैं एड्रेस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, इसलिए इस पेस में कर रहे हैं। जिनको फास्ट चाहिए, जैसे जो 13 के बच्चे, उनको फास्ट चाहिए तो 1.5 की स्पीड से देख सकते हैं, ठीक है। जो क्रैश कोर्स रहेगा वो तो फास्ट रहेगा ऑफ कोर्स, लेकिन ये लेक्चर को और फास्ट नहीं कर सकते, है ना। तो भले कितना भी कम क्वेश्चन सॉल्व करें हम लोग, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज आप हर मोमेंट में कुछ ना कुछ सीख रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता उससे, चाहे कितना भी टाइम लगे, ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। और सब रिलेवेंट चीज सीख रहे हो, यानी कि आईआईटी के बाहर का चीज सीख लो, जो भी आपका जेई मेन नीट उस समय आ रहा है वही सब चीज़ सीख रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बाय द वे, इस लेक्चर में कौन कौन से क्वेश्चन नीट के लिए एप्लीकेबल नहीं था, 43 तो नीट वाले बच्चे करेंगे, जो नीट वाले था उसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला चीज़ नहीं पूछा जाएगा नीट में, इसको छोड़ दो, 42 छोड़ दो, 41 भी छोड़ दो, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी वाला ज़्यादा नहीं करना है, ये पूछा जा सकता है नीट में, हाँ ये पूछा जाएगा, जाएगा मतलब ये नहीं आएगा ही आएगा, ऐसा इस टफनेस लेवल का पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ये एनर्जी स्टोरी नीचे होता 4 कैपेसिटर, ये भी पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, हाँ 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 अभी मैं खाली देख देख के बता दे रहा हूँ कौन कौन सा पूछा सकता है, हाँ हाँ जो नहीं पूछा जाएगा उससे बता दूंगा, ठीक है। या मैं एक शुरू में ही एक वो डाल दूंगा एडिटिंग के वक्त, कौन से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इनफाइनाइट लैडर ये भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, ये सब नहीं पूछे जाएंगे, ये नहीं पूछे जाएंगे, कुछ नीट के लिए नहीं है ना। 26 ये क्या पूछा गया था, पोटेंशियल डिफरेंस ना, ए और बी, ये तो पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ये भी मतलब नीट में जो एक हार्ड क्वेश्चन होता है इस लेवल का हो सकता है, ठीक है। जब कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो नीट वाले, ये करना होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ये सब थोड़ा टफ लेवल के हो जाएंगे नीट के लिए। और हाँ ये पूछा जा सकता है, ठीक है, और प्लेट्स इलेक्ट्रॉन पर ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर 5 समझ में आया होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एस सी वर्मा कवर करेंगे, ठीक है। चलो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।